जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज उन्हें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके आज का डेली राशिफल लेकर क्या कहते हैं आज आपके सितारे, यह सब आपको बताने के लिए। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति पर। ग्रह गोचर यानी आसमान में उपस्थित सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु किस किस राशि में विराजमान है उनकी स्थिति को बताता है। तो यहां पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में विराजमान है और बुध देवता भी यहीं पर सूर्यदेव के साथ मेष राशि में विराजमान है। शुक्र देवता अपने स्वयं के घर वृष राशि में विराजमान है, राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान है, चंद्र देवता तुला राशि में विराजमान हुए हैं, धनु राशि में केतु महाराज विराजमान है और शनि देव जो हैं वो अपने घर मकर राशि में विराजमान है। मंगल देवता भी मकर राशि में ही उच्च के होकर विराजमान है, जबकि बृहस्पति देवता नीच भाव में मकर राशि में शनि के घर में विराजमान है। तो यह है आज के ग्रह गोचर की स्थिति। यहां मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप जो हमसे बार बार अनुरोध करते हैं कि हम फ्री में यानी बिना कोई फीस लिए आपको आपकी परेशानियों के उपाय बताएं, तो इसके लिए हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और यहाँ पर जो स्वामी प्रिंस जी ऋषि जी का जो फोटो आएगा उसको क्लिक करके वहां अपनी डिटेल भर दीजिए तो आपको डायरेक्टली जो आपकी परेशानियां हैं उनके उपाय भेज दिए जाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं होता है। फिर भी अगर आप आगे उस उपाय को परसू करना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उनके माध्यम से आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या अगर कोई ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस करना चाहें तो आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 दिनांक 7 मई 2020 पूर्णिमा तिथि है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की। आसमान में स्वाति नामक नक्षत्र है और व्यातपात नामक योग आज निर्माण हुआ है। आज जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 11:53 से लेकर 12:41 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, जबकि अशुभ काल जिसे हम राहु काल के नाम से जानते हैं वो 1:58 से लेकर 3:38 तक आज रहने वाला है। इसके दौरान आप कोई शुभ कर्म ना करें। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे साथ गुरु मां रुक्मणी एवं स्वामी राज ऋषि हम लोग मिलकर 133 देशों में पिछले काफी सालों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कार्य करते हुए आप लोगों को परेशानियों से मुक्त करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया से हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी, हमारे इंटरव्यू लेने के लिए भी और हमसे उपाय प्राप्त करने के लिए भी निरंतर देशी और विदेशी लोग आते रहते हैं। तो आप भी इस सुविधा का बिना किसी झिझक के हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहूंगा कि YouTube पर हमारे 14,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ये रेड आइकन को दबाकर और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अगर आप हमसे कुछ और फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम निश्चित रूप से आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल।
बात करते हैं कन्या राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाली व्यक्तियों, जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा आत्मबल में कमी महसूस कर रहे हैं, तो अपने आत्मबल को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। अगर नहीं करेंगे तो आप परेशानी को स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे, तो आप अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। बात करते हैं परिवारजनों के साथ आपके संबंधों के बारे में, तो परिवारजनों के संबंधों की वजह से आपको कहीं आने जाने की शायद जरूरत महसूस होगी, यात्रा की जरूरत महसूस हो सकती है, किंतु ओवरऑल परिवारजनों का साथ आपके भाग्य में वृद्धि करता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बात करते हैं या भाई बहनों के साथ आपके संबंधों के बारे में, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी, थोड़ी सी उलझन हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। बात करते हैं आपके घर परिवार की या कार्यस्थल की, तो यहाँ आपको कोई परेशानी होती है स्पष्ट नजर आ रही है, क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग आपसे जो दुश्मनी मानते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो हो सकता है आपको ज्ञात शत्रु हैं, आप उन शत्रुओं को जानते हैं या नहीं जानते, मगर आपको महसूस होता है कि कुछ लोग आपका नुकसान कर रहे हैं या आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपके स्वास्थ्य से संबंधित विशेष परेशानी है तो आप डॉक्टर से अविलंब संपर्क करें। और अगर शत्रुओं को आप बंधन युक्त करना चाहते हैं, मतलब शत्रुओं को ऐसे बंधन में बांधना चाहते हैं ताकि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कोई यंत्र मंत्र ना कर आपका अहित ना कर सके, या फिर कोई आपके कार्यस्थल को, आपके घर परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके, तो ऐसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर हमें अपना चेहरा दिखाकर, अपनी कुंडली दिखाकर, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, स्वयं मिलकर या ईमेल के माध्यम से, छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा जो साल में एक या दो बार ही करने होते हैं, आप अपने जीवन में इन शत्रुओं को इस तरीके से भयभीत कर सकते हैं, बंधन युक्त बना सकते हैं कि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और ऐसे उपाय आप या तो हमारे यहां से स्वयं आकर प्राप्त कर सकते हैं, या पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हो तो आपको घर बैठे हमारे द्वारा भेज दिए जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय, जो कि साल में आपने सिर्फ एक या दो बार करें। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का जो इस समय मन है वो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई की तरफ फोकस्ड है, वो उसी दिशा में स्ट्रांगली अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से आगे चलकर कामयाब हो सकेंगे। बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनकी शादी नहीं हो रखी है, या बात करें हम उन लोगों की जिनकी शादी तो हो गई है, घर में बहुत झगड़ा रहता है मियां बीवी के बीच में, या बात करें उन लोगों की जिनको संतान की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। जो डॉक्टरों के पास संतान के लिए इलाज कराकर थक चुके हैं मगर अभी तक संतान प्राप्त नहीं हो सकी, तो ऐसे सभी व्यक्तियों से हम कहना चाहेंगे यहां कहीं ना कहीं कोई विशेष अड़चन है, उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास करिए। और इन अड़चनों को दूर करने के लिए आप अगर संतान से संबंधित प्रॉब्लम है तो अब आपको यहां पर दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है, क्योंकि दवा तो आप इतने सालों से करा ही रहे और संतान नहीं प्राप्त हो रही, तो ऐसी स्थिति में आप में आपको किसी भी तरह की तीनों में से किसी तरह की परेशानी है तो आप स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल या स्वयं मिलकर या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। हम आपकी जन्म कुंडली देखकर, और जन्म कुंडली नहीं है तो आपका चेहरा देखकर, आपकी परेशानियों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे। अगर शादी नहीं हो रखी है तो एक सुंदर सा जीवन साथी दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो आपके लड़ाई झगड़ों की जगह आपके बीच में प्रेम मोहब्बत जो है पारिवारिक सुख शांति है वो प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको संतान नहीं है तो आपके घर में संतान लाने के लिए, आपको संतान प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। आप हमारे ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय हैं वो घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर स्वयं आकर हमसे ले सकते हैं।
जय शनिदेव। मैं नेहा, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक फिल्म मेकर और एक एक्ट्रेस हूँ। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती? आजकल प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, पर हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन फिर जब हम सारी जगह से हार जाते हैं और फिर हमारी भगवान मदद करता है, वो ऊपर वाला, उसकी वजह से आज मैं गुरु रजनीश ऋषि जी के संपर्क में आई। मैंने उनकी वीडियोस देखी, जब देखा कि लोगों ने इतना उनकी उपाय से फ़ायदा उठाया है, मेरी इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक बारी उनसे मिल के देखूँ और एक बारी बात करके देखूँ। बिजी शेड्यूल के कारण मैं मिल नहीं पा रही, तो मैंने उनसे वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट लिया था। और मेरी अपॉइंटमेंट मैंने ली थी गुरु माँ रुक्मणी जी से। उन्होंने मेरा वीडियो कॉल पे सारा का सारा मेरी प्रॉब्लम्स को समझा, मुझे उपाय बताए और फिर उन्होंने मेरे को ये राशि के अनुसार मुझे ये रिंग्स पहनने के लिए कही। जब से मैंने ये रिंग्स पहनी है, अभी मुझे सिर्फ 15 दिन हुए हैं और सीरियसली मैं बताऊँ आपको, प्रॉब्लम्स काफ़ी थी, हैं भी, लेकिन पहले से मैं अपने प्रॉब्लम्स में बहुत कमी पा रही हूँ। और मुझे, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मेरे ही नाम से, नेहा डियालानी के नाम से, तो आप वो जाके देख भी सकते हैं। मेरा चैनल जब मैंने देखा, मैंने उस पर वीडियोस डाली हुई थी कुछ महीने पहले, अब मैंने जब देखा उसको, तो मेरे उस पर व्यूज़, मेरे उस पर जो नोटिस है पब्लिक की, ऑडियंस की, वो बढ़ने लग गई है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ है। आई डोंट नो कि हाउ इट हैपेंड, एंड एवरी डे द व्यूज़ एंड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और हर एक दिन एक छोटा छोटा करके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। इसका कृपा है, गुरु माँ की कृपा है, उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए। और मतलब एक बहुत ही मुझे पॉजिटिविटी आ रही है कि रतन जो है हमारी इतनी मदद करते हैं, और अगर ये करते हैं तो हम अभी के तक क्या सो रहे थे? अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स, जब तक हम उनसे बिल्कुल थक नहीं जाते, हम तब वो रास्ता चुनते हैं कि हाँ हमें कोई सॉल्यूशन दे। अगर हम उनको शुरू होने से पहले ही किसी की गुरु गाइडेंस ले लें या गॉड गाइडेंस ले लें, या हमें रास्ता मिल जाए, दिख जाए, तो हम तो कितनी आने वाली प्रॉब्लम्स को आने से पहले से ही बच जाएं और पहले से ही उन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर दें। तो मैं उस हर इंसान को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जैसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप एक बारी गुरु माँ रुक्मणी से जिसे और गुरु रजनीश जी से अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। जिस तरह उन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसी तरह उन्होंने मेरी भी प्रॉब्लम को समझा है, सॉल्व किया है, और आगे और भी मैं उनसे आगे गाइडेंस लेती रहूँगी। उसी तरह आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के द्वारा और उनके उपाय से जल्द सॉल्व हो, ये मेरी इच्छा है। सो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दो राय लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब इन चीज़ों से असर हुआ है, तो आपको भी ज़रूर होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और मेरा गुरु जी को और गुरु माँ को कोटि कोटि धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती, पर इनके यहाँ मैं जाके इतना मुझे कृपा महसूस हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आई एम स्पीचलेस, और बस इससे आगे कुछ नहीं। आप खुद जाइए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। जय तो शनिदेव। ओवरऑल जब हम देखते हैं कि जो कन्या राशि वाली व्यक्ति हैं, उनके उनके जीवन साथी के प्रति अच्छे संबंध बने रहते हैं, उन संबंधों को इसी प्रकार मजबूती से बनाए रखें, और उसको कोई अड़चन आती है तो इस 3 बार नंबरों पर आप हमसे संपर्क करिए, निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे। बात करते हैं ससुराल पर से कोई शुभ सूचना आपकी प्रतीक्षा कर रही है, भाग्य फुल टू फुल आपको सपोर्ट कर रहा है, कार्यस्थल के हालात आपके फेवरेबल में नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपके नुकसान होने की संभावना हो सकती है। आमदनी के हालात की बात करें तो आमदनी के हालात परिवारजन के माध्यम से आपको उनकी सलाह मानकर अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि हो सकती है। कन्या राशि वाली व्यक्तियों की अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मसले में उनके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे,
किंतु उन लोगों की बात करें जिनके प्रेम संबंधों में निराशा हाथ लग रही है, उनका साथी उनको धोखा दे रहा है, या कोई उनसे उनका प्यार छीनना चाह रहा है जिसके लिए यंत्र तंत्र का भी सहारा ले रहा है, या फिर आपसी लड़ाइयों की वजह से उनके संबंध खटाई में पड़ रहे हैं, या फिर जो शादी की बातचीत है, जो मतलब प्यार को शादी की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंध को लेकर निराश हैं, वो छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा अपने जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में खुशियां वापस ला सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या स्वयं खुद मिलकर हमसे अपनी जन्म कुंडली या चेहरा दिखवाकर उपाय प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हो तो भी प्राप्त कर सकते हो, यहां आकर आप इन उपायों को लेना चाहें तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों में, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, उनमें कोई मुर्गी की बलि नहीं देनी है आपने, कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू बनाने के नाम पर उल्लू नहीं बनना है, कोई सियार सिंगी आदि की बलि नहीं दी जाती है, या पूजा पाठ के नाम पर हम कोई ऐसा प्रपंच नहीं करते जिसमें आपको लूटा जाए। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और अंत में हम बात करते हैं आपके ओवरऑल ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए, हम आपको 5 में से आज के लिए 3 स्टार देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।